फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी और मैंने भी जन्माष्टमी का फास्ट रखा हुआ है। अब वैसे मैं अभी रेडी हो गई, सारी साफ सफाई, पूजा नहीं की अभी, पर झाड़ू पोछा करके नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड भी गए हैं अभी नहाने, और पूजा के बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं। और अब करेंगे हम पूजा, कानों को कराएंगे स्नान, सुंदर सुंदर ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि आज उनका दिन है तो भाई बनता ही है इतना तो। और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको, और डेकोरेशन भी दिखाएंगे हमने जन्माष्टमी पे कैसे डेकोरेशन किया हुआ है। और साथ में आपको दिखाएंगे हम जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन थोड़ा सा ही करेंगे, बट करेंगे। और झूला भी है कानों का, वो आपने पिछले साल भी ब्लॉग में देखा ही होना हमारा। और अब करती हूँ मैं कानों को नहलाती हूँ और रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरे कानों नहाने के लिए रेडी हैं, तो इन्हें सुबह सुबह नहला देते हैं हम पहले। और तो फ्रेंड्स, अब कान्हा जी नहा बैठे हैं, और आज कान्हा जी ने पहनी है ऑरेंज कलर की ड्रेस, सुंदर सुंदर, क्योंकि आज भाई इनका दिन है तो सुंदर सुंदर ड्रेस पहनना तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं पूजा कर बैठी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए टेस्टी टेस्टी नारियल के लड्डू, दूध वाले, वो काढ़ काढ़ के से मेवा बनता है उसका, और नारियल का मिक्स करके बहुत टेस्टी लड्डू बनाए हैं मैंने कान्हा जी के लिए ये। और ये टेस्टी टेस्टी लड्डू अगर किसी को खाने हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उन्हें ज़रूर देंगे ये। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं मार्केट। इस बार हमने सोचा था कि हम कान्हा जी को 56 भोग लगाएंगे जन्माष्टमी पे, और हम जन्माष्टमी के लिए ये प्रसाद और मिठाई लेने आए थे यहाँ पे भवाना में, ये कृष्णा स्वीट शॉप ना, वहाँ से ली हुई है, बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ना मिठाई वगैरह ले आए हैं, और अब हम रात के लिए जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं। ऐसी डेकोरेशन करके बताएँगे कि कान्हा जी को पक्का आना ही पड़ेगा हमारे घर। तो गाइज, अब डेकोरेशन हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो, आप भी बताना कैसे लग रहा है। यहाँ पे डेकोरेशन करी है कान्हा जी के लिए। अब यहाँ पे कान्हा जी को विराजमान करवाना है हमने, तो यहाँ पे हम गंगा जल से इसको साफ करेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। तो गाइज, अब ये कान्हा जी के लिए बिछा रहे हैं, कुछ ऐसी हमने डेकोरेशन की हुई है। देखो, दो बंदे बुलाए हमने, काफ़ी दूर से आए हैं, बड़े अच्छे डेकोरेशन करते हैं ये। डेकोरेशन करने में बिल्कुल परफेक्ट जो हो सकते हैं। अगर आपको भी करवाना हो तो इनसे संपर्क जरूर करें डेकोरेशन के लिए। ऐसा करेंगे, ऐसे एक वैसे ही कर लीजिएगा। सच में ये देखो, कुछ इस तरह सब्जी के लिए हमने ये भी बुलाए हुए हैं। अरे अचार भेज दे ना, मेरा नहीं अच्छी है। और ये बनाया जा रहा है, ये बन गया शिमला मिर्च, और ये बन रहा है रात का डिनर। मिक्स वेज बन रही है, आलू चने सब, कुछ बड़े बनाए हैं और कुछ कोड़े, दही बल्ले, दही बल्ले, ये बड़े बोल देना है ना, गोल गोल भैया। इसमें क्या है? इसमें हम तड़का लगा रहे हैं, ये चने बना रहे हैं रात के लिए, बनाया जा रहा खाना रात के लिए बनाया जा। फिर मैंने और क्या बनाया था रात को, नारियल वाले लड्डू बनाए मैंने, और फिर पूरे 56 भोग का भोग लगेगा आज कान को, मजे हैं। तो वीडियो में बने रहे, ब्लॉग में बने रहे देखने के लिए, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, ये करी है हमने ऐसी कुछ डेकोरेशन जन्माष्टमी की, अभी हो रही है वैसे, अभी थोड़ी सी पेंडिंग है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी गद्दे गुद्दे लगाए जाएंगे, ऊपर को कानू का झूला लगाया जाएगा, और देखो कितनी सुंदर डेकोरेशन, येलो येलो कलर की। तो भाई साहब, कान्हा जी के झूले को जोड़ा जाएगा, अब अभी साफ कर रहे हैं, अभी पूरा जोड़ के आपको दिखाते हैं कैसे लग रहा है।
कुछ कुछ तो हमने डेकोरेट कर दिया। ये देखो स्पेशली इनको बुलाया है, ये डेकोरेशन का काम करते हैं, ये काफ़ी अच्छा डेकोरेशन का काम करते हैं, नया काम पकड़ा है उन्होंने। हाँ जी जी, आप बोलेंगे कुछ है? बोलेंगे कुछ है? नहीं। हाँ भाई तू बोलेगा। गाइज ये देखो अब ऐसा है कुछ व्यू यहाँ का, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स अब हमने कान्हा जी की मटकी भी लगा दी है, कान्हा जी के लिए बांसुरी भी रख दी। ये देखो ये रही कान्हा जी की मटकी। गाइज अब कुछ ये डेकोरेशन के लिए हमने ये सामान मंगाया हुआ, अब इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर देखते हैं आपको भी दिखाते हैं क्या इसमें। तो चलो करते हैं अनबॉक्सिंग, चलो खोलो फिर इसका। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम डेकोरेशन के लिए, कान्हा के बर्थडे के लिए हमने डेकोरेशन के लिए। कान्हा जी का चेहरा यहाँ पे रखता हूँ मैं। तो अब मेरा खाना मैक्सिमम बन गया, आंटी को मैंने काम पे पूरी तरह से लगाया हुआ है और चटनी भी बन गई, हरी हरी चटनी। हेलो, और वो बड़े भी दिखाओ, ले दिया है वो बड़े। हेलो, तो मिलते हैं फ्रेंड्स। क्या कर रहे हैं चाचा जी? ये हमारी मेहमान आई हुई हैं, राधे राधे बोल दो। राधे राधे। अच्छा चाचा, तुम्हारा फोन होंगे लगे हुए सारे, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद ब्लॉग में बने। तो गाइज अब मैक्सिमम जो हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप भी देख लो जन्माष्टमी की डेकोरेशन जो आज हम कर रहे हैं, ये देखो मैक्सिमम कर दी है आज हमने पूरी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। गाइज अब यहाँ कान्हा जी के लिए 56 भोग का प्रबंध किया है पूरा, ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ये देखो ये स्पेशली लड्डू बनाए गए हैं नारियल के, ये कुछ फ्रूट्स हैं और यहाँ पे स्पेशल मिठाई है, खोल के बताएंगे आपको क्या क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स ऐसी हुई है आज हमारे मंदिर की डेकोरेशन कान्हा के जन्माष्टमी के लिए, और क्या बोलते हैं हमने सारा 56 भोग लगाने के लिए कान्हा के लिए रेडी किया हुआ है। देखो कैसी लगी डेकोरेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और देखो देखो एक चीज़ और बताती हूँ आपको, उल्टी हो गई मेरे से गलती से, सॉरी। इसे सीधे करना सर, ये माखन की मटकी कान्हा के लिए। तो ये कान्हा के लिए हमने माखन वाली मटकी भी लगाई हुई है, मोर पंख। जो कपड़े और बाटन है रुमाल है लपेटों में, फिर ये तब ही निकालेंगे हम जब इनका जन्म होना 12 बजे, तो इनके सारे ड्रेस जो है सुंदर सुंदर पहने होने खोला लेते हैं हम। और कान्हा को हमारे सुंदर सुंदर कान्हा को फिर से बर्थडे का सेलिब्रेशन करेंगे। तो अब मैं कान्हा के खोलूंगी कपड़े, और जब रुमाल में पूरा नहीं वो लपेट दूंगी तो वो दिखाऊंगी आपको मैं थोड़ी देर। अब हम कान्हा को छुपा देंगे कपड़े में, फिर अब निकालेंगे तब जब कान्हा का जन्म होगा। तो कान्हा को अब हम छुपा देंगे फूलों के अंदर, रात के 12 बजे दिखाएंगे वो हम आपको अपने कान्हा जी, और आपको दर्शन करवाएंगे अपने कान्हा जी के। तो ये है हमारे कान्हा जी का सिंहासन,
और ये हमारे कान्हा जी का झोला जिसमें आज हम कान्हा जी को झुलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी डेकोरेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर राधे राधे बोल देना। तो फ्रेंड्स, अब रात के बज गए हैं 8:30 और बच्चों को करवा रहे हैं हम इस टाइम पे डिनर। हमने सोचा पहले इन्हें डिनर करवा लेते हैं और उसके बाद करते हैं हम भजन और संगीत का कार्यक्रम। और मेरा भैया छोटा जो है ना, मेरे चाचा का, वो इतना अच्छा मल्टी टैलेंटेड है ना, वो ढोल की सब कुछ बजाता भी और गाने बड़े सुंदर गाता है। करवाएंगे आपको कान के, तो ब्लॉग में बने रहे फ्रेंड्स।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और राधे राधे जरूर कमेंट में, हैप्पी जन्माष्टमी भी हो। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अब रात को जो जन्माष्टमी को प्रसाद बनना था वो मैंने सोचा तभी बनाएंगे, तो वो अब मैंने रेडी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, 11:55 हो चुके हैं, तो अब हमारे कान्हा जी आने वाले हैं, तो लोग में बने रहे, आपको दर्शन करवाएंगे कान्हा जी के। तो बोलो जय कन्हैया लाल की। तो फ्रेंड्स, अब 12 बज चुके हैं और कान्हा जी का जन्म जो है वो हो गया है। मैंने जो था कान्हा जी को कपड़े से लपेट के रखा हुआ था जन्म होने से पहले, तो जैसे जन्म हुआ तो मैंने ये कपड़ा खोल दिया। फिर कान्हा जी को हम पंचामृत से स्नान करवाना था तो वो करवाने लगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाने लगी हूँ। जैसे कि पहले मैंने दूध से स्नान करवाया, फिर दही से स्नान करवाया, फिर शहद से स्नान करवाया, और फिर उसके बाद घी से स्नान करवाया। और ये और पानी में जो होता है वो गंगा जल डाल के ये पंचामृत बनता है, तो उससे सारे से स्नान करवाते हैं। फिर उसके बाद कान्हा जी को हमने टावल से जो है पहुँच लिया। अब कान्हा जी को लगाएंगे हम इत्र मोगरे का। फिर उसके बाद देखो हम कान्हा जी को पहनाएंगे सुंदर सुंदर ड्रेस। तो देखना कान्हा जी की कितनी सुंदर ड्रेस, कान्हा जी इस ड्रेस में कितने सुंदर लगते हैं। कमेंट करके बताना आप हमें कि हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, इतनी प्यारी ड्रेस है ना ये। तो अब कानों को ड्रेस बनाने के बाद बनाई हमने कानों को सुंदर सुंदर ज्वेलरी पाइले, और फिर हमने कान्हा जी को रेडी किया झूला लगाने के लिए। तो अब हम लगाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके लगाएंगे कान्हा जी को झूला। तो फ्रेंड्स, अब सभी ने कान्हा जी को झूला झूला लिया हुआ है, और अब हम करेंगे कान्हा जी की मंगल आरती। बोलते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन वाली जो आरती होती है ना, रात के 12:30 या 1 बजे वाली, वो मंगल आरती बहुत अच्छी होती है, बड़ी शुभ होती है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल। और फिर उसके बाद हमने आरती वगैरह करके हम लगाएंगे अब कान्हा जी को भोग। तो फ्रेंड्स, अब जन्माष्टमी की सारी पूजा हो चुकी है, आरती भोग सब लग गया है, और अब हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कि हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, प्यारे सुंदर से गोलू मोलू। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में राधे राधे लिखना भी मत भूलना, और राधे राधे करके हाजिरी लगा देना सारे। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।